आज के आप फैन में कुछ तो विस्पर कर रही हैं और उससे काफ़ी वो परेशान हो गए हैं, ऐसा क्या आपने विस्पर किया उनके कानों में? तो अगर आप देख सकते हैं अभी शो में, मैंने उनके कान में कुछ ऐसा विस्पर किया जो उनको बिल्कुल भी नहीं सुनना, जबकि वो मुझसे बदला ले रहे हैं। तो मैंने भी उनसे कुछ बदले लिए हैं, वो मेरे दीदी और मेरे हस्बैंड के जान के पीछे पड़े हैं। सो या वो तो आप देखेंगे टेलीकास्ट के दिन कि मैंने क्या विस्पर किया। तब भी ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या प्लानिंग की है रिवाज को अभी लाइक? सो रिवाज अभी एक्टिंग कर रहे हैं ना कि वो देख नहीं सकते, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग की है उनके अगेंस्ट। और अभी फाइनली वो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुछ उनका लॉकेट भी आपने कुछ समथिंग आपने ले लिया है जो उनका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था शायद आपको आपके साजिश में आपको डाउन करने का? एग्जैक्टली राइट। तो आपने अगर अभी जो एपिसोड आने वाले हैं आप देखेंगे तो वो एक लॉकेट है जिसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो यू नो हर बार उनका टारगेट कौन होता है, रुक्मिणी दीदी एंड माय हस्बैंड राघव। तो अभी उनको टारगेट कर रहे हैं वो, और उस लॉकेट में वैसा कुछ तो है जिस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वही चीज़ मेरे हाथ आ चुकी है अब। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके और राघव के क्यूट सा मोमेंट भी हमने देखने मिला है, कुछ कहना चाहेंगे आप? या राघव और मेरा क्यूट छोटे छोटे मोमेंट्स तो आते रहते हैं एंड इट्स फन आल्सो। सो गाइस यू गोना लव इट। अपार्ट फ्रॉम इस कुछ ही दिन बचे हैं सेट पे, कितना मिस करने वाली हैं आप? मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि अभी स्टोरी चेंज हो रही है। सो जब स्टोरी चेंज होती है तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है एंड मैं और राघव हम दोनों इस शो में नहीं रहेंगे। सो वी गोना मिस दिस शो अ लॉट बिकॉज यू नो ये मेरा पहला शो है एंड ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ शोज अहेड, बट एक अटैचमेंट हो जाती है, पहला शो पहला एक्सपीरियंस, इट्स गुड। सो या ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मिस दिस सेट एंड बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग न्यू इन लाइफ एंड हर जिंदगी चलते रहती है। सो या थैंक यू सो मच। थैंक यू अ लॉट।